गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी ना मैं माधव का दूध का बोतल गर्म करने वाली हूँ और साइड में मैं पानी भर ले रही हूँ सारे बोतलों में, क्योंकि लाइट चला जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इस ब्लैक कलर के बोतल में ना मैं गर्म पानी भर के रखूँगी, क्योंकि माधव को ना फीडर देना होता है कभी कभार, तो दूध नहीं रहता तो गर्म पानी से देना होता है। तो ऐसे मैं परमानेंटली करके रखती हूँ अब। और अभी तो ठंड का मौसम भी आ गया है, मतलब धीरे धीरे आने वाला है। अभी से अगर हम ये सब चीज़ें केयर ना करें ना, फिर सर्दी जुकाम लग जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी रख देती हूँ इस बोतल में। और इधर देखो, मैंने सारा साफ़ कर लिया है, बस इस काउंटर को साफ़ करूँगी तो मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। और ये न जाने क्यों ये इतना रोता रहता है, क्योंकि इसको बाहर जाने का होता है और उसको हम बाहर भेजते नहीं हैं, क्योंकि बाहर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है। और मैं अगर बुआ के घर में भेजूंगी ना, तो उनके घर में ना मतलब बहुत ही काम चल रहा है, प्लास्टर हो रहा है घर, तो जो सीमेंट है ना वो सीमेंट बच्चों के लिए सही नहीं होता है, हाथ पैर ख़राब हो जाता है उससे। तो इसलिए मैं उसको ना ज़्यादा भेजना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत वो रोता है तो भेज देती हूँ। वैसे मैं अदर्स कहीं पर भेजती नहीं हूँ, उसको भी बहुत मन होता है बाहर खेलने का। तो मैं कुछ दिन से ना, मेरे दिमाग में आया कि मैं 1-1.5 घंटे के लिए ना माधव को स्कूल भेजूं। बहुत लोगों ने भी मुझे बोला है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है मुझे कि 1-1.5 घंटे के लिए आप स्कूल भेज दो, उसको बात भी करने लगेगा और आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो हम तो सोच रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले लेंगे कि नहीं 1 घंटे के लिए। और ऊपर से ये बहुत बदमाश है, इसकी बदमाशी के चक्कर में पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। उसके पापा को तो मैंने बोला है, तो सब लोग बोल रहे हैं, और 6 महीना है, तो 6 महीने बाद ही हम लोग उसको ना एडमिशन करवा देंगे। तो इधर जो है ना, मेरा किचन साफ़ हो गया है, अब चलो चलते हैं। कुछ कपड़े हैं, इनको तय लगाएंगे। ये मेरा एक साड़ी है, तो ये सोची थी कि धोऊं करके, लेकिन मैंने ज़्यादा साड़ी को पहना नहीं है तो फालतू में धोना ही क्यों है, तो फिर मैंने धोया नहीं, रख दिया मैंने जैसे तैसे। और मेरे पास काफ़ी सारे सिंपल वाले साड़ी है। पहले ना मेरे को सिंपल वाले साड़ी पसंद आते थे, फिर मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, तो वो मुझे बहुत डांटती थी कि सिंपल वाले साड़ी बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं होता है कि तू मतलब सिंपल वाले साड़ी पहने। तो फिर मेरे को वो चटक फटक वाले ही पहनने पड़ते हैं, क्योंकि बोला है कि अभी तेरी एज नहीं है वैसे सिंपल वाले। लेकिन अधिकतर मैंने सिंपल ही ज़्यादा लिया है पहले, लेकिन अब जो है मैं सोचती हूँ कि थोड़ा चटक हो, रंग हो, अच्छा लगता है अपने लाइफ में थोड़ा रंग भरना चाहिए, तो इसलिए मैं अब जो है थोड़े चटक वटक वाले ही लेती हूँ। और अच्छा भी लगता है, ज़रूरी नहीं है कि सिंपल में ही मतलब आप ख़राब दिखो, सिंपल में भी अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरी फैमिली वालों को तो पसंद नहीं आता है ना। और अब जो है ना, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और लेट हो जा रहा है आजकल, क्योंकि ना पाइप लग रहा है, पाइप की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, नहीं तो सुबह उठते ही हम लोग ना झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू पोछा तो हमारे घर में पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। माधव ने ना अपने तकिए के ऊपर उसने सुसु कर दिया था, इस वजह से तकिए को भी मुझे पूरे तरीके से धोना पड़ा। तो माधव का सेरोलेक्स भी हम लोग इकट्ठा लेके आए हैं इस बार। हमने 2-3 बारी ऐसा किया है, तो हमें 2-3 बारी फ़ायदा हुआ है। एक एक करके लाओ ना, तो फिर दिक्कत भी होता है और फ़ायदा भी नहीं होता है। इस वजह से हम लोग इकट्ठा लेके आते हैं, फिर हमारा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। अभी के लिए बाय।